हाँ बिल्कुल सही जगह आए हैं। भारत में मिल गई कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, तो हम कोरोना वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि आप तक कैसे पहुंचेगी, क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, कितना पैसा देना होगा, कहाँ आपको मिलेगी, सबसे पहले किसको मिलेगी, आपको कब तक मिलेगी, इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम समझ लेते हैं, देखिए हम कोरोना वैक्सीन जो है, तो कोरोना वैक्सीन है ये भारत में कोवाशील्ड COVASHILD कोवाशील्ड है, अभी कोवाशील्ड है COVASIN कोवाशील्ड नामक दो वैक्सीन भारत में अभी लॉन्च हुई है। इसको बनाया है बायोटेक कंपनी ने, BIOTECH बायोटेक कंपनी ने, और ये जो बनाई है SII कंपनी ने इसको बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया है। इसको जो है ठेका मिला था, ठेका हम सभी भारत के हर सभी ठेका जानते हैं, ठेका मिला था ब्रिटेन से कि आप जो है प्रोडक्शन कार्य दवाओं के कीजिए, तो सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट ने यह प्रोडक्शन का कार्य यहाँ पर सिर्फ किया है। और हाँ आप लोगों को जानकर मतलब खुशी होगी कि इसमें 5 करोड़ आदमियों के लिए प्रोडक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से 2.5 करोड़ जैसा कि इसके मतलब एग्रीमेंट एक साइन हुआ था उसी के आधार पर 2.5 करोड़ इसको ब्रिटेन को दे देना होगा, जितना भी और 2.5 करोड़ इसके पास बचा रहेगा। कोवैक्सीन जो है ये भारतीय कंपनी ने बायोटेक ने इसको बनाया है। अब मतलब यह स्कीम लाई जा रही है कि इसको फरवरी तक जो है प्रोडक्शन जो है इसका दोगुना कर दिया जाएगा। अब ये तो दोगुना करेगी तो साथ में ये भी दोगुना करेगी, तो प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जो है 4 गुनी तेजी से प्रोडक्शन कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग अब आप समझते हैं जो वैक्सीन है ये 4 नामों से मतलब अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जानी जाती है। जैसे एक है फेजर PHAZER, एक न वैक्सीन का नाम है फेजर। अब इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी वो लगभग 98% है, मतलब ये जो दवा है ये लगभग 98% काम करती है। अब इसको भारत में क्यों नहीं लाया गया, इसमें कठिनाई क्या है, देखिए इसकी इसको जो रखने के लिए जो जरूरत है वो -70 डिग्री, हाँ -70 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत है। अब इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत में है ही नहीं, -70 डिग्री तापमान बहुत कम होता है जी, इतना मतलब भारत में कितना मतलब इतनी दवाओं को रखने के लिए इतना ज्यादा तापमान कैसे कम किया जाएगा, तो इसमें यह दिक्कत आई। एक बैग है मोडरेना MODERANA मोडरेना, ये भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ये 4 वैक्सीन अभी तक COVID-19 की बनी हुई, कौन कौन सी, कोवाशील्ड, एक कोवैक्सीन, फेजर और मोडरेना, ये 4 वैक्सीन अभी तक COVID-19 की बनी हुई है। इसको रखने के लिए जो तापमान की जरूरत होती है वो -15 डिग्री सेल्सियस लगभग मतलब इसी के आसपास नियर अबाउट की जरूरत होती है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 85-90% है, 90% इसकी एक्यूरेसी है। और देखिए जेन्युइनली क्या माना जाता है ना कि अगर किसी दवा की जो एक्यूरेसी है वो 50% से ऊपर हो गई ना तो वह दवा 100% वर्किंग मान ली जाती है, ये दवा 100% काम करेगी। तो देखिए जो ये कोवाशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये दो दवाएं फिलहाल भारत में लॉन्च होंगी। मैंने पहले ही कहा कि मतलब इन दोनों दवाओं को मंजूरी मिल चुकी है, तो इनको मंजूरी क्यों मिली, इनको क्यों नहीं मिली, जबकि इनकी एक्यूरेसी 98% और इनकी एक्यूरेसी इतना परसेंट थी, मतलब इतना एक्यूरेसी मतलब समझते हैं कि ये दवाएं इतना ज्यादा वर्क करती हैं, और इनकी जो एक्यूरेसी है लगभग दोनों की लगभग 70% ही मान के चलिए, लगभग इनकी एक्यूरेसी इतनी है। तो जिस भी दवा की एक्यूरेसी 50% से अधिक हो गई उसे यह माना जाता है कि 100% वर्किंग है। तो यह भी 100% वर्किंग है सबके लिए नहीं, मान लीजिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है तो आपके लिए यही दवा लगभग 90% वर्किंग हो जाएगी। अब रखने के लिए जो टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर, जो कि आराम से किसी फ्रिज वगैरह का हो जाता है, आराम से कहीं भी इसको मतलब फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों दवाओं को रखने में बहुत ही दिक्कत हो जाती। लगभग 5 करोड़ इसका हो चुका है कोवाशील्ड जो SII कंपनी ने, और इसने भी कुछ बना लिया है। तो 2 वैक्सीन भारत में लॉन्च होगी, ये 2 और जो है ये विदेशों में भी, ब्रिटेन वगैरह में मतलब अन्य देशों में धुआंधार चल रही है। तो अब देखिए कुछ ना ले कुछ ही भला, तो इतना तो आ गया। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी किसको, तो देखिए और किस प्रकार से मिलेगी। तो एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविन। क्या नाम है? कोविन। कोविन मतलब होता है COVID-19 से जीतना। एक कोविन नाम का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा आपके जिला वाइज कि इस आपको इस जिला में फला अस्पताल पर फला अस्पताल में इस तारीख को वहां पर पहुंच जाना है। बस आपको इससे एक डेट निर्धारित डेट कंसीडर मिल जाएगा। अब इसमें अभी अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे पहले इसको जानिए।
जो कोरोना वॉरियर्स थे, कोरोना वॉरियर्स मतलब जो कोरोना कोविड से लड़ रहे योद्धा, जैसे डॉक्टर हुआ, नर्स हुआ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, ये सब जो थे, सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं को मिलने वाली है। और जेन्युइनली भाई मिलना भी चाहिए ना, जिन्होंने आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, वैक्सीन सबसे पहले इन्हीं को मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम रह पाएंगे? तो देखिए लगभग 26 जनवरी से इन लोगों को वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी के अंत तक इन सभी को वैक्सीन मिल जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा आप सभी का, तो उसके बाद आप सभी को वैक्सीन मतलब फरवरी के बाद लगभग आप सभी को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है इसके लिए आपको चार्ज कितना देना होगा। तो इसके लिए आपको पर व्यक्ति 2000 रुपए गवर्नमेंट को पेड करना होगा इसी कोविन एप्लीकेशन में। बाकी जितनी भी जानकारी है आपको 2000 रुपए पर व्यक्ति आपको गवर्नमेंट सरकार को पेड करना होगा इस वैक्सीन के लिए। तो फरवरी के बाद आपको मिलेगी, 2000 रुपए पेड करना होगा। अब बात आती है कि इसका रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए जिसके पास मोबाइल है वो कर लेगा, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेगा? तो देखिए आपका नियर जो हॉस्पिटल है ये पूरे जिले में लगभग प्रशासन द्वारा एक खबर फैला दी जाएगी कि किस अस्पताल में कोविड की वैक्सीन मिल रही है। तो वहां आप लोग जाइए, वहां एक स्पेशल काउंटर गवर्नमेंट द्वारा लगवाया जाएगा, एक स्पेशल वहां पर काउंटर रहेगा। आप वहां जाइए तो आपको डायरेक्ट दवाई नहीं मिलेगी, ये बात जान लीजिए। वहां आप जाएंगे उस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगा कि आप इस तारीख को यहाँ पर आइए और इतने बजे आइए तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी। इससे फायदा जानते हैं क्या होगा कि धांधली नहीं हो पाएगी कि मतलब जो लोग चाहे वो जबरदस्ती दवाई लेकर रख लें, मतलब दवाई ज्यादा खूब सारा स्टॉक में रखकर रखना, फिर उसको मतलब ब्लैकमेल करें, ब्लैक में बेचें, तो ये नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कितने लोगों को दवाई की जरूरत है, कितना मेरी दवाई खर्च हुई, कितना बचा है अभी, कितना पैसा इससे आया। 2000 रुपए रखा गया, जीडीपी जो है हमारी देश की वो थोड़ा गिर गई थी, अब इससे 2000 रुपए से जीडीपी थोड़ा हमारी ऊपर हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो अब लगभग हमारे हिसाब से कोविड 19 की वैक्सीन के बारे में जितनी भी जानकारी थी, मैं आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी और मैं भरपूर जानकारी आपको इसके बारे में दे पाया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।